नमस्कार, मैं विश्वानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों के लिए अहम सूचना। कैजुअल वैकेंसी के तहत पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए आज से करें आवेदन। लौंडा नृत्य के मशहूर कलाकार पद्मश्री रामचंद्र मांझी का निधन। शाह से पहले स्मृति की होगी बिहार में एंट्री। जीत के बाद जान बचाकर भागे पाकिस्तानी फैंस। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। उद्योग लगाने के इच्छुक लोगों के लिए अहम सूचना। बिहार में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक लोगों के लिए अहम सूचना है। उद्योग विभाग ने स्टार्टअप यूनिट के लिए आवेदन करने का समय बढ़ा दिया है। अब इस योजना में आवेदन करने का समय 30 सितंबर हो गया है। इससे पहले इसका समय अगस्त तक ही था। मालूम हो कि भाजपा नेता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की देखरेख में बिहार में स्टार्टअप पॉलिसी जारी की गई। उसी पॉलिसी के तहत यह आवेदन लिए जा रहे हैं। उद्योग विभाग की जानकारी के मुताबिक पटना में स्टार्टअप को जगह देने के लिए विशेष जगह उपलब्ध कराई जाएगी। यह स्पेस मौर्या लोक और फ्रेजर रोड में तैयार किया जा रहा है। यहां काम नवंबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है। इस पॉलिसी के तहत चुने गए प्रत्येक स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए का सीड फंड दिया जाएगा। इस फंड पर 10 साल तक किसी तरह का ब्याज नहीं लगेगा। इस पॉलिसी के तहत यह सारी सुविधा सिर्फ बिहार के रहने वाले स्टार्टअप निवेशकों को दी जाएगी। बीपीएससी पेपर लीक मामले में डीएसपी रंजीत रजक पाए गए दोषी। बीपीएससी सरसठवीं पीटी परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने अपनी जांच को एक कदम आगे बढ़ा दिया है। ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई ने बीपीएससी पेपर लीक मामले के मुख्य अभियुक्त डीएसपी रंजीत रजक को अपनी जाँच में दोषी पाया है। इस मामले में अब कोर्ट ने रंजीत रजक के खिलाफ कभी भी आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है। वहीं आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर घोटाला मामले में सुनवाई कर रही पटना सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया, बैंकर्स गोलक बिहारी पांडा और सनत कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कैजुअल वैकेंसी के तहत पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए आज से करें आवेदन। पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक में नामांकन के लिए विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि पटना विश्वविद्यालय में सत्र 2022-25 स्नातक में कैजुअल वैकेंसी के तहत नामांकन के लिए विद्यार्थी आज गुरुवार यानी 8 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। वहीं पटना कॉलेज में स्पोर्ट्स व फाइन आर्ट कोटे के तहत स्नातक में नामांकन के लिए ट्रायल 10 सितंबर को होगा। विश्वविद्यालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन के बाद कॉलेज 15 सितंबर तक हर हाल में अपनी सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी कर लिस्ट स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन के पास भेजेंगे। सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों को नामांकन के लिए लिंक प्रोवाइड की जाएगी। उक्त लिंक पर जाकर छात्र 20 सितंबर तक नामांकन ले सकते हैं। 5 शहरों के 32 ठिकानों पर एनआईए का छापा। जुलाई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर पटना को दहला देने वाली साजिश भी नाकाम हुई और इस साजिश में शामिल हर एक कड़ी को खंगालने में एनआईए की टीम लगी हुई है। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में आज एनआईए की टीम ने बिहार के कुल 5 शहरों के 32 ठिकानों पर अहले सुबह से छापेमारी कर रही है। राजधानी पटना से लेकर अररिया तक एनआईए की टीम सभी संदिग्धों के ठिकानों को खंगाल रही है। खबर लिखे जाने तक बिहार अररिया के जोकीहाट में एनआईए की छापेमारी की जा रही थी। वहीं इस मामले में एहसान परवेज के घर अरतिया में भी एनआईए ने छापेमारी की। एहसान का नाम फुलवारी शरीफ मामले में सामने आया था। एहसान एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव है। मिली जानकारी के अनुसार दरभंगा के सिंहवाड़ा और सिवान में भी छापेमारी चल रही है। नीट यूजी 2022 में बिहार के अंकित बने स्टेट टॉपर। बीते दिन देर शाम एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2022 का रिजल्ट जारी किया है। आपको बता दें कि 700 अंक लाकर अंकित कुमार बिहार टॉपर बने हैं। अंकित को 99.9943 परसेंटाइल मिला है। अंकित की ऑल इंडिया में रैंक 68 है। इसके अलावा 686 अंक लाकर बिहार के ही धर्मेंद्र को 90 रैंक मिली है। वहीं पुष्पम सुमन को 685 अंक हासिल हुए हैं। इनकी ऑल इंडिया रैंक 104 है। इसके अलावा रोनिट को 682, प्राची को 680 और विपुल को 685 अंक मिले हैं। आपको बताते चले कि बिहार के इस बार 98,668 स्टूडेंट्स नीट की परीक्षा में बैठे थे। इनमें से 55,709 स्टूडेंट्स सफल हुए हैं। प्रदेशवासी ठनका से रहे सावधान, मौसम विभाग ने किया अलर्ट।
बिहार में इन दिनों मौसम मेहरबान है। इन दिनों राजधानी पटना सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है। इस दौरान उत्तरी बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में भारी बारिश, वहीं दक्षिणी बिहार में सामान्य से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है। आज की बात करें तो आज सुबह से ही राजधानी पटना सहित अन्य क्षेत्रों में सामान्य से मध्यम बारिश देखने को मिली है। वहीं IIMD विज्ञानियों का कहना है कि समान रूप से पूरे प्रदेश में जबरदस्त ठंड का गिरने की आशंका है। इसको लेकर लोगों को सलाह दी गई है कि वह बारिश के समय पूरी तरह सतर्क रहें। पुनपुन में कल होगा पितृपक्ष मेले का उद्घाटन। पितृपक्ष मेला का शुभारंभ में अब महज एक दिन शेष है। इस बीच बिहार के राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता पुनपुन में शुक्रवार यानी कल पितृपक्ष मेला का उद्घाटन करेंगे। वहीं 10 सितंबर से पुनपुन के श्रद्धालुओं का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। पटना के नदी घाटों और घरों में लोग अपने पितरों को 11 सितंबर से तर्पण करेंगे। पुनपुन में अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। आपको बताते चले कि पटना से पुनपुन के बीच विशेष बस चलेगी। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट पंडाल बनाए गए हैं। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिंडदान के लिए यहां पहुंचेंगे। वहीं पितृपक्ष मेला 25 सितंबर तक चलने वाला है। लौंडा नृत्य के मशहूर कलाकार पद्मश्री रामचंद्र मांझी का निधन। बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के नाट्य मंडली के आखिरी सदस्य और लौंडा नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक रामचंद्र मांझी ने भी बुधवार देर रात अंतिम सांस ली। रामचंद्र मांझी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें पटना के IJIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बुधवार देर रात उनका निधन हो गया। रामचंद्र मांझी ने बिहार की लोक संस्कृति को एक अलग पहचान दी। लौंडा नृत्य को उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर नई पहचान दी थी। लौंडा नृत्य के लिए बेहद मशहूर रामचंद्र मांझी को पद्मश्री से भी नवाजा गया था। आपको बताते चले कि रामचंद्र मांझी को वर्ष 2017 में संगीत अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। वहीं पिछले साल वर्ष 2021 में रामचंद्र मांझी को उनकी कला तथा योगदान हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा मनाएगी सेवा पखवाड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक भाजपा देश भर में सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाए जाने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता मोदी सरकार द्वारा देश के गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा और महिला सहित समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के विकास के लिए किए गए कामों को 17 से 2 अक्टूबर तक जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रम को सभी जिलों में बढ़ चढ़कर किया जाएगा। भाजपा का आरोप, महागठबंधन सरकार में बज रहे हैं अपराध। बिहार की राजधानी पटना में बाईपास थाना क्षेत्र में बदमाशों ने स्कूटी पर सवार 2 युवकों की गोली मारकर जान ले ली। इस मर्डर के बाद अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गई है। इस घटना के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा PMCH पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में रोज अपराध बज रहे हैं, इससे लोगों में भय का वातावरण पैदा हो गया है। यहां बिहार के लिए अत्यंत अनिष्ट सूचक है। शाह से पहले स्मृति की होगी बिहार में एंट्री। जदयू से अलग होने के बाद भाजपा बिहार में अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रही है। इसके लिए इस महीने सितंबर में भाजपा के कई बड़े नेताओं का बिहार आगमन होगा। यही नहीं, नेताओं का बिहार में रैली का भी आयोजन है। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बिहार दौरे पर आ रही हैं। स्मृति ईरानी मोदी एट ऑफ द रेट 20 पुस्तक की लॉन्चिंग मौके पर 18 सितंबर को पटना आ रही हैं। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि स्मृति ईरानी का दौरा अलग है, जबकि अमित शाह भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत आ रहे हैं। यदि कुछ लोग हर चीज को जाति और धर्म के एंगल से ही देखना चाहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम नहीं रुकेगा। प्रशांत किशोर के बयान पर तिलमिलाए नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रशांत किशोर पर भड़कते हुए दिखाई दिए। दरअसल बीते सोमवार को प्रशांत किशोर ने बिहार के बदलते सियासी समीकरण को लेकर बयान दिया था, जिसमें प्रशांत किशोर ने कहा था कि बिहार में बदलते राजनीतिक परिदृश्य का राष्ट्रव्यापी असर नहीं पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा था कि यह राज्य केंद्रित है। बता दें कि प्रशांत किशोर का इशारा नीतीश कुमार के NDA छोड़कर महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बनाने की ओर था। प्रशांत किशोर द्वारा दिए गए इस बयान पर तिलमिलाए नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने मेरे साथ भी काम किया है, बिहार में रहकर जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, उनके किसी भी बयान का कोई महत्व नहीं है। उन्हें मालूम भी है कि 2005 से क्या काम हुआ है। लोगों का काम सिर्फ पब्लिसिटी करना
करना और बयानबाजी करना है। नई महागठबंधन की सरकार में विधायकों की हुई बल्ले बल्ले। बिहार के नए महागठबंधन सरकार बनने के बाद किसी का कुछ हो या ना हो अभी तक, लेकिन बिहार के विधायकों की बल्ले बल्ले जरूर हो गई है। राज्य के मौजूदा विधायक एवं पूर्व विधायकों को अब एक बार में 50,000 रुपये की रेल यात्रा कूपन मिल सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने विधायकों के अनुरोध पर विचार करते हुए उन्हें दिए जाने वाले रेल यात्रा कूपन जारी करने की व्यवस्था को काफ़ी सरल बनाने का निर्णय लिया है। अब कोई भी विधायक उनकी मांग पर एक बार में 30,000 रुपये मूल्य के रेलवे कूपन की जगह 50,000 मूल्य का रेल यात्रा कूपन दे होगा। जीत के बाद जान बचाकर भागे पाकिस्तानी फैंस। एशिया कप 2022 सुपर फोर में अफगानिस्तान बना पाकिस्तान मुकाबला हमेशा याद किया जाएगा। इस मैच में जीत के साथ पाकिस्तान ने फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। वहीं भारत और अफगानिस्तान दोनों फाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं। अफगानिस्तान की हार के बाद उनके फैंस ने स्टेडियम में गदर मचा दिया। उन्होंने कई कुर्सी तोड़ दिए और पाकिस्तान के फैंस पर हमला भी किया। पाकिस्तान के फैंस जान बचाकर वहां से भागे। पाकिस्तान के पुरतेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक शेयर किया। कैप्शन में अक्सर ने लिखा, यह वही है जो अफगान प्रशंसक कर रहे हैं, यह वही है जो उन्होंने अतीत में कई बार किया है, यह एक खेल है और इसे सभी को सही भावना से खेला और लिया जाना चाहिए। शफीक स्टैनिकजे, आपकी भीड़ और आपके खिलाड़ियों दोनों को सीखने की जरूरत है। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 5,339 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 133 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 40 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 103,451 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 124 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजित मिश्रा, शंकर मुखिया, भान प्रकाश मौर्य, पवन सिंह, पिंटू कुमार, राजकुमार कुशवाहा, के सिन्हा, राजकुमार प्रसाद, कविता कुमारी, शंकर मुखिया और बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भाजपा दावा कर रही है कि महागठबंधन सरकार में अपराध बढ़ रही है, क्या आप भी इस दावे से सहमत हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।